नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज जब सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ तो सदन का माहौल गर्म हो गया। दोनों नेताओं में तीखी बहस हुई। योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्राइम के लिए यूपी में जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई तो अखिलेश को उनको शासन काल के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई गई। योगी आदित्यनाथ ने सदन में दावा किया कि पिछले एक साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। देख महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम ले दें। लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों विधानसभा के सदस्य पहली बार बने हैं और बजट सत्र में सदन में जब दोनों का आमना सामना हुआ तो जुबानी तर्कस से शब्दों के तीर निकलने लगे। मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। देख महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम ले दे। अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से जब इस्तीफा दिया था तभी समझ में आ गया था कि यूपी विधानसभा में विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज होगी, लेकिन सदन में सामने यूपी के धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, लिहाजा चुनावी शिकस्त के बाद सदन में भी अखिलेश यादव सीएम योगी के सामने लाजवाब हो गए। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। सामने अखिलेश यादव थे लिहाजा योगी आदित्यनाथ का वार सीधे उन्हीं पर था। योगी ने अखिलेश यादव को उनकी सरकार का इतिहास बताया तो अपनी सरकार का वर्तमान भी दिखाया। तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महिला शक्ति के बल पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वो करिश्मा कर दिखाया जो बीते 3 दशक से कोई नहीं कर पाया, लिहाजा यूपी में महिलाओं की सुरक्षा योगी की लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने सदन में किया। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही
प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और पास्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया, उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी को शिमला वाली ठंड देने का वादा किया था और सदन में सीएम योगी ने उसको पुख्ता किया, विपक्ष को दिए अपने जवाब से। किससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। यूपी में दूसरी बार योगी की ताजपोशी के लिए जानकार कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। सदन में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को 2012 से 2022 के बीच का अंतर भी समझाया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के अंदर नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हो? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं, और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमान जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। योगी आदित्यनाथ की माने तो यूपी में दंगा और कर्फ्यू बीते जमाने की बात हो गई। अब तो यूपी के गली गली में प्रशासन का बुलडोजर दौड़ता है, जिसके खौफ से अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की घिग्घी बन गई है, जिसका बखान योगी ने सदन में किया। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, ये पहली बार हो रहा है। देश में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर खूब हल्ला हो रहा है। महाराष्ट्र में ठाकरे भाई आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की कुशल कार्यशैली का ही नतीजा रहा कि बिना शोर शराबा के यूपी के धार्मिक स्थलों से 68,918 लाउडस्पीकर हटा लिए गए, जबकि 56,641 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा, कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। योगी सदन में विपक्ष को लाउडस्पीकर पर जवाब दे रहे थे तो बाहर लखनऊ में ही यूपी पुलिस लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन मोड में थी। धार्मिक स्थलों से जिन लाउडस्पीकर को उतारा गया था, मस्जिद के लोग उसे पुलिस को सौंप रहे थे, जिनका अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सके।
लखनऊ की इंद्रानगर इसमें हम मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम के लोग आए हैं इंद्रानगर थाना एसीपी गाजीपुर, ये सभी लोग बाकायदा ब्रीफ कर रहे हैं और जो मस्जिद से लाउडस्पीकर्स उतारे गए हैं उनको पुलिस को बाकायदा दिया जा रहा है। इस समय जो एसीपी गाजीपुर है वो इस समय ब्रीफ कर रहे हैं और जो मस्जिद के कमेटी के लोग हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा कारगर होगा उनके लिए ये पूरी कार्रवाई। शामिल किया इसमें हम तो खुशी है। मैं मुस्तकीम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का हूँ। हम लोग अपनी खुशी से माइक दे रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए जा रहा है, हमें बड़ी खुशी है। आपने हमें बताया, इसमें खुशी हुई कि आप इतने एक अच्छे काम के लिए जा रहा है। लोगों को जो नमाज पढ़ने आते थे या फिर मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँचते थे, शाम को आते थे, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मतलब ही नहीं कोई नमाज का? जी नमाज का माइक से कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। वो तो बाद अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग। पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है पूरा सहयोग आप लोग को मिल रहा है? पूरा एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नो डाउट अबाउट इट। कोई दिक्कत नहीं, पूरा सहयोग है। आपको पता है कि अब इस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? स्कूल में, आपने बताया था सेंट्रल अकेडमी स्कूल में जा रहा, बच्चों के लिए जा रहे हैं, नेक काम हो रहा है, इससे खुशी है हमको। खुश हैं आप लोग? जी बिल्कुल खुशी। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं मस्जिद कमेटी के, वो कितना ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जो भी काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और नेक काम के लिए इस्तेमाल होगा लाउडस्पीकर्स का, तो निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता है। मस्जिद से जो लाउडस्पीकर उतारे गए वो पुलिस को दे दिए गए थे और पुलिस ने उन लाउडस्पीकर को लखनऊ के स्कूलों को सौंप दिया, जिससे स्कूल अपने हिसाब से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सके। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से अब तक 1163 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए, 2380 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी की गई है और अब लखनऊ में भी उतारे गए स्पीकर को स्कूल और अस्पताल को दिया जा रहा है। यूपी में अब तक 1100 से ज्यादा लाउडस्पीकर स्कूलों को दिए जा चुके हैं, तो वहीं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रशासन लोगों की सहूलियत के लिए कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वीसी के द्वारा हम लोग को ये बताया था कि जो भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं मस्जिदों से, उन सब का एक अच्छा उपयोग करने के लिए उन सभी को जो स्कूल्स हैं या पीए सिस्टम वगैरह हैं वहाँ पे दिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप था, एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया था और हम लोग ने पूरा इसको डिस्कस करके, प्लानिंग करके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराना शुरू किए हैं। दो तीन दिन से इसमें हम लोग ने कार्रवाई कराई है। इसमें जिन स्कूल्स को भी पीए सिस्टम वगैरह दिया है, लाउडस्पीकर दिया है, स्कूल्स ने बहुत सराहना की है इसकी, और जिन मस्जिदों से हम लोगों ने हेल्प मांगी है कि आप लोग इसको एक अच्छे काम के लिए इसको दीजिए, तो उन लोग ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। और जो हमारे कुछ चौराहे हैं मेन, जैसे हमारे यहाँ कपूरथला हो गया, पुरनिया, मुंशी पुलिया, यहाँ पे पीए सिस्टम के लिए भी हम लोग उन लाउडस्पीकर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, धार्मिक कार्यक्रम शांति से संपन्न होते हैं, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर खुद ब खुद हटा लिए जाते हैं, विरोध का एक सुर नहीं उठता। ये योगी आदित्यनाथ के शासनकाल का बदलता उत्तर प्रदेश है, जिसका दावा खुद सीएम योगी कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।